मुल्तानी फेमिना जहां, फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगा दी है। कार्यक्रम व दौरों का सिलसिला चल निकला है। कमल भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके साथ समुदाय विशेष यानी मुस्लिम भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के काम उनके अपनी बरादरी के सपा विधायक रफीक अंसारी कभी नहीं आए, लेकिन कमल दत्त शर्मा ने विधायक न होते हुए भी हमेशा साथ दिया है। अब उनका साथ देने का मौका उन्हें मिला है। आज इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल के निकट सरस्वती ऑप्टिकल पहुंचे कमल दत्त शर्मा का शोभित अग्रवाल ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कमल दत्त शर्मा ने यह कहा। कमल जी, कैसे चल रहा है आपका चुनाव? बहुत बढ़िया, आप लोगों का आशीर्वाद है भाई साहब। क्या सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, सभी वर्गों का, सभी पूरे सर्व समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिल रहा है। क्या एक वर्ग विशेष का भी समर्थन है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी जी जी, बिल्कुल है, और पूरी तरीके से वो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, इन सब के कार्यों से प्रेरित होकर वो हमारे साथ में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए विकास, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 3.5 घंटे का समय लगता था, वो मात्र 40 मिनट की दूरी अब रह गई है। तो गति से प्रगति, इसके अलावा जो दूसरा काम हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर किया है कि रैपिड रेल, जो 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो मेरठ को दिया है, उस पर रैपिड और मेट्रो दोनों चलेंगी। इस माननीय योगी जी की सरकार ने जो किया है, कानून व्यवस्था का जो स्थिति है, जो दुर्दशा पूर्व की सरकारों में थी, वो सारी दुर्दशा खत्म करते हुए आज अपराधी तो भय में है और जनता भयमुक्त है। इस अवसर पर मौजूद समुदाय विशेष के लोगों ने यह बात कही। मैं कमल भैया के साथ 4 साल से हूँ व्यक्तिगत रूप में। जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बुनियादी समस्याएं, जो हमारी कोई सुन नहीं पाता। अगर हम अपने विधायक जी के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमारी समस्या नहीं हो पाती, तो मजबूरन हमें क्या बोलते हैं, कमल भैया के पास आना पड़ा। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई हमें इनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भाई साहब के पास नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कहाँ करवाएंगे अपने गांव में? तो आपका कहने का मतलब है कि विधायक आपकी नहीं सुनते, लेकिन कमल दत्त शर्मा जी आपकी सुनते हैं? जो हमारे यहाँ पूर्व में विधायक हैं तो उनसे हमारी समस्या हल नहीं हो पाती है। भाई अगर हमें समस्या अपनी हल करवानी है तो हम अखिलेश जी के पास तो जाएंगे नहीं, तो बुनियादी हमारे प्रतिनिधि कौन है? हमारे अगर थानों में या किसी भी तरीके की दिक्कत जो हमारे साथ होती हैं तो हमारी उन समस्याओं का निवारण कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास करती है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली भेदभाव नहीं है। और कोई भी हिंदू मुस्लिम आ जाता है कमल दत्त शर्मा जी के पास, तो कमल दत्त शर्मा जी गरीब आदमी कोई भी हो तुरंत भैया 1 सेकंड में लग जाते हैं, वो नहीं देखते हो ये मुसलमान है मैं उसके काम करूँ नहीं, तुरंत 1 सेकंड में करते हैं। और भैया आधी रात को भी अगर भैया को 2 बजे भी फ़ोन करते हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं, गरीब आदमी के साथ लगे हुए हैं। गली गली में राशन दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और हमारे पूर्व विधायक रफीक अंसारी साहब ने आकर हमारी गली में देखा भी नहीं। पिछले साल हमने उन्हें विधायक बनाया था, उन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने कबूतरबाजी करी है और कुछ भी नहीं करा। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम इमरान राणा है, मैं अपना दल एस पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक मंच से। हमारे शहर में कमल दत्त शर्मा जी अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव से पहले भी इन्होंने हर जाति समाज से उठकर लोगों की मदद की है। हम जब भी इनके निवास पर गए हैं हमारा काम हुआ है, हमने अपने समाज वालों से कहा तो हमारा कोई काम किसी ने नहीं करा। और जब भी हमारे शहर में कोई हमें काम की ज़रूरत पड़े, हमारे कमल दत्त शर्मा जी हमारे बड़े भाई हर वक्त हर समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे। और हमने ये फैसला किया है अल्पसंख्यक मंच के लोगों ने कि जान माल से हर तरीके से शहर विधानसभा की सीट निकालनी है हमें और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।